अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है हमारी जिंदगी क्या है। एक इंसान पूछता है अपने आप को, मेरी ये जिंदगी है क्या। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस दुनिया के अंदर 750 करोड़ लोग जी रहे हैं और ये सारे इंसानों में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो ये बात सोचते ही नहीं है कि क्या है मेरी जिंदगी का मकसद, ये जिंदगी है क्या। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते भी हैं, सवाल पूछते भी हैं, लेकिन सवाल पूछने के बाद उसका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते जैसे कि करना चाहिए। आज की अभी यहां आने से पहले, थोड़ी देर पहले की बात है, Amazon बुक स्टोर में मैं सर्च कर रहा था कि जिंदगी का मकसद ये टॉपिक पे कितनी किताबें हैं, तो Amazon बुक स्टोर में ही खाली 20,000 से ज्यादा किताबें थी जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से। और आज मॉर्निंग में मैं बैठकर YouTube पे सर्च कर रहा था जिंदगी के मकसद के बारे में, जो वर्ल्ड के स्पीकर्स हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं, जो मुझे टॉपिक यहां के ब्रदर्स ने दिया जिंदगी क्या है। तो मैं सर्च कर रहा था जिंदगी क्या है, इस बारे में लोगों का क्या कहना है। तो मैंने अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर सुने और अक्सर आंसर्स, बल्कि ये कह सकते हैं कि सही आंसर सिर्फ एक जगह पे मिलता है और वो जगह, वो जवाब क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सब आंसर्स जनरली क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं, क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं। आपको मिलेंगे स्पीकर्स जो कहते हैं कि ये डिल्यूडिंग सवाल है, डिल्यूडिंग सवाल है, धोखा देने वाले सवाल है। जिंदगी में जब सवाल आए, ये दिमाग में आए कि जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी में जी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या है जिंदगी का मकसद, वो कहते हैं ये सब डिल्यूडिंग सवाल है, मतलब ये तुम्हें धोखा देने वाले सवाल है। सवाल का जवाब आप समझ रहे हैं, आप पॉइंट समझ रहे हैं, वो लोग इस सवाल के जवाब को अवॉइड कर रहे हैं, इस सवाल को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। लोगों को यह सिखा रहे हैं कि जब यह सवाल दिल में आए तो यह सोचो यह तो डिल्यूडिंग सवाल है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे भाई जी रहे हो, यह तो सोचना होगा क्यों जी रहे हो, यह दुनिया में हो क्यों हो, क्या कर रहे हो यहां पर। क्या एक इंसान यह नहीं सोचेगा कि मैं हूं क्या, मैं क्या कर रहा हूं दुनिया में, क्या है जिंदगी का मकसद, क्या उसे यह नहीं सोचना चाहिए। आप सब यहां आए हो, कुछ वजह है, ऐसे ही तो नहीं आए हो। मैं यहां आया हूं, मेरी भी वजह है, ऐसे तो नहीं आया हूं। ये टेबल यहां पर है, कोई वजह है। ये माइक यहां पर है, कुछ वजह है। ये स्टैंड है, इसकी कुछ वजह है। ये स्टेज बना है, इसकी कुछ वजह है। ये टेबल है, इसकी वजह है। ये पानी की बॉटल है, इसकी वजह है। और हमारी जिंदगी की कोई वजह नहीं, ये क्या बात है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई अगर आपके घर पे आए, नॉक करे दरवाजे पर या घंटी बजाए, आप दरवाजा खोलो और दरवाजा खोलने के बाद वो कहे कि मैंने ऐसे ही नॉक किया, तो क्या कहेंगे आप, ऐसे ही नॉक किया, क्या कहेंगे, कहेंगे लगता है कि कुछ तो नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करते, अब नॉर्मल है, कुछ तो गड़बड़ है। नॉर्मल लोग ऐसा करते हैं कि नॉक करके बोले ऐसे ही मैंने नॉक किया, ऐसा नॉर्मली नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, अब नॉर्मल हो तो चलो उसका प्रॉब्लम है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं और मिसाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब में से ही कोई एक वॉलंटियर आगे आए। मैं सिर्फ चंद सवाल पूछना चाहता हूं आपको, सिर्फ सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। कोई एक वॉलंटियर आगे आ सकते हैं, कोई भी, कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़े सवाल पूछूंगा और मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक और माइक चाहिए, एक और माइक जी, वेरी गुड। हाँ, कोई एक वॉलंटियर आगे आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सब ऑडियंस में से ही कौन आ जाइए, चलिए, वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। आपका नाम? आरिफ। आरिफ, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं बिजनेस करता है, ट्रैवल्स। अच्छा, मैं पहला सवाल अभी पूछने वाला हूँ, क्यों बिजनेस कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, वर्ल्डली लाइफ के लिए। वर्ल्डली लाइफ के लिए, सुने आपने आके भी। अभी दूसरा सवाल, आपकी एजुकेशन कितनी हुई? बीकॉम। क्यों पढ़े थे? नेक्स्ट काम करने के लिए और
ऐसा कॉलेज में गए, इतने साल तक गए, क्यों गए? फ्यूचर में काम करने के लिए, काम करने के लिए, फैमिली सीखने के लिए, कुछ फैमिली। आपकी फैमिली मैरिड भी हैं? आप अभी मैरिड हो गए? क्यों मैरिड हैं? फैमिली के लिए, साथ में सुकून के साथ जीने के लिए, हाँ, ताकि अकेले इंसान हैप्पी नहीं होता है, नहीं फैमिली होती है तो खुश होता है। देखिए ये जो इन्होंने जवाब बताया ना, आप किसी भी आदमी को पकड़ो और उसको सवाल पूछो, सब चीज क्लियर आंसर मिलेंगे। लेकिन जब ये सवाल पूछते हैं ना, जिंदगी का मकसद क्या है, तो बाहर अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है, उसमें लॉस्ट है वो लोग। जजाकलक है, यही पूछना था। जजाकलक है। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्लियर आंसर। क्यों बिजनेस कर रहे हैं? क्लियर आंसर। क्यों जॉब कर रहे हैं? क्लियर आंसर। क्यों मैरिज कर रहे हैं? क्लियर आंसर है। लेकिन जिंदगी का मकसद क्या है, नहीं मालूम। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, बल्कि मैंने एक सेशन खुद अटेंड किया था, मेरे कॉलेज के जमाने की बात है, एक ट्रेनर, जैसे मैं आपके साथ यहां पे बात कर रहा हूं ना, एक ट्रेनर आए थे, नॉन मुस्लिम थे, वो कह रहे थे कि जब जहन में ख्याल आए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, जब ऐसे ख्याल आए तो हैव एन आइसक्रीम विद एन एक्स्ट्रा स्कूप, आइसक्रीम खाओ डबल स्कूप डालकर, या लाउड म्यूजिक सुनो। मकसद क्या है मालूम है? किसी तरह से अपने आप को खुश करके ये ख्याल को दिमाग से निकाल दो कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ये तो ऐसी बात है जैसे कि कोई ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, जो छुपने के लिए क्या करता है, अपने सर को मिट्टी में डालता है और पूरी बॉडी बाहर है। या कोई शेर को देख करके आंखें बंद कर लें, शेर तो नहीं दिखेगा लेकिन गायब थोड़ी हो जाएगा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सवाल का जवाब जानना कंपल्सरी है, नेसेसरी है, लाजिम है, पूरी तरह से जरूरी है। क्यों पता है आपको? अगर आपको ये सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो आप जिंदगी में परेशान रहोगे, आप जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि मेरी जिंदगी क्या है, फुल जिंदगी एक टॉर्चर है आपके लिए। और ऐसे ही जीते हैं अक्सर लोग, जिंदगी भर मर मर के जीते हैं। पता है आपको दुनिया में किस टाइप के लोग मिलते हैं? कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है, ताकत दी है, पोजीशन दी है, नाम दिया है, इज्जत दी है। और कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं है उनके पास, नॉर्मल से आम आदमी सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दो टाइप के लोग हैं। अगर जिंदगी का मकसद नहीं मालूम है ना, तो ये जो तबका है ना जिसके पास है, वो एरोगेंट हो जाएगा, गुरूर करेगा, घमंड करेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा। और ये जो तबका है ना, ये डिप्रेशन में चले आएगा, ये अपने आप को मजलूम समझेगा, ये उदासी की जिंदगी गुजारेगा। और आपको पता है कि कितने सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, इज्जत है, लेकिन वो लोग भी जिंदगी में कई चीजों को लेकर परेशान होते हैं। कितनी बार पैसा बहुत है लेकिन सामने रिलेटिव है, अपने खुद के रिश्तेदार को देख रहे हैं, खुद के बच्चे को देख रहे हैं, बीमार है, तड़प रहा है बेड पर, लेकिन उसकी बीमारी को दूर नहीं कर सकते हम। उसके लिए डॉक्टर्स बुला सकते हैं, हॉस्पिटल में रख सकते हैं, लेकिन बीमारी दूर करना हमारे हाथ में नहीं है। क्या ये बीमारी जो आती है एक इंसान को सोचने नहीं लगाती है? क्या सोचता नहीं इंसान कि मैं सेहत है, मैं बीमार भी होता हूं, मैं जिंदा हूं और सारे इंसान मरते हैं? क्या ये नहीं देख सकते कि उरूज आता है, अप्स आते हैं जिंदगी में, जवाल आते हैं, आता है डाउन्स आते हैं जिंदगी में? क्या ये दिखता नहीं है? ये सब चीजें क्या इंसान को सोचने नहीं लगाती है? क्या ऐसा नहीं देखते हैं कि कितनी सारी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होती है? हमारी मेहनत के बावजूद कितने काम खत्म ही नहीं होते हैं, क्या चीज के लिए है ये? क्या हम लोग ये नहीं देखते कि ये सब चीजें जो हमारे पास है, हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ है, हमारे कान है, हमारी फुल बॉडी है, इसका पेमेंट तो नहीं किए थे हमने? ऊपर वाले को, अल्लाह को पेमेंट किए थे, मालिक को, हमारे बनाने वाले को पेमेंट किए थे? कोई पेमेंट नहीं किए। मांगे थे, मांगे भी नहीं थे। लिस्ट दिए थे क्या दुनिया में आने से पहले कि मुझे, मैं दुनिया में जा रहा हूं, दो आंखें चाहिए, एक नाक चाहिए, दो कान चाहिए, दो हाथ चाहिए, 10 fingers चाहिए? मांगे भी नहीं थे, मांगे बगैर दिया और परफेक्ट दिया। जो ऊपर वाले ने हमें दिया, बनाने वाले ने दिया, परफेक्ट दिया। सोचो कि ये माउथ है, मुंह, ये यहां की जगह यहां होता, हाँ, तो खाना डालने के लिए कितनी डिफिकल्टी। या हाथ ऊपर है, उसकी जगह हाथ नीचे होते हो, पांव ऊपर होते, तो क्या होता हमारा, हाँ?
हम देखते हैं कि उसने मांगे बगैर दिया और कितनी चीजें दिया गिन नहीं सकते, और एक रुपया पेमेंट नहीं दिया हमने। हम देख रहे हैं कि ये हमारे आस पास जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स को देख करके एक ही चीज दिमाग में आती है कि खुद से नहीं बन सकता था ये, खुद से नहीं बन सकता था ये। हम देख रहे हैं कि ये पूरी दुनिया है, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे है, ये आसमान है, ये जमीन है। हम देखते हैं कि सब चीज बनाई गई है हमारे रिक्वायरमेंट की, सबके सब चीजें यहां पर है, सारी की सारी चीजें यहां पर है, और हमने मांगे नहीं थे। हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए, हवा है। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है। हमें पानी चाहिए, पानी है। हमें यहां पर रहने के लिए सॉलिड जमीन चाहिए, सॉलिड जमीन है। नीचे सारे लेयर्स वैसे नहीं है जहां इंसान रह सकता है। हमें एटमॉस्फेयर चाहिए था, एटमॉस्फेयर है। हमें ओजोन लेयर चाहिए था, ओजोन लेयर है। इतनी सारी चीजें हैं कि मांगे तो मांग के नहीं मिल सकती थी, हमें सारी चीजें मांगे बगैर मिली। हमें तो कितनी चीजें मालूम है, कितनी सारी चीजें हैं जो मालूम ही नहीं है हमें, जो मालूम पड़ती रहती है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या है ये सब चीज देख के समझ में नहीं आता है कि डिजाइन, डिजाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। हर चीज अकॉर्डिंग टू डिजाइन हो रही है। ये सब चीज एक परफेक्ट प्लानर है, उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रही है। पता है आपको आज लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये यूनिवर्स जो बना, साइंटिफिक जो तबका है वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये यूनिवर्स जो बना ये एक बिग बैंग से बना। मतलब क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक बड़े धमाके से बना। और हाँ, कुरान में एक आयत है जो इसके ताल्लुक से बता रही है, वो सूरह 21 आयत नंबर 30 में है। अवलम यर लदीन कफरू अन समावाती वलर्द कानता रौतकन फफतकना हुमा। क्या वो लोग जो इनकार करते हैं, क्या वो लोग ये देखते नहीं कि आसमान और जमीन घुले मिले हुए थे, और फफतकना हुमा, हमने इन दोनों को अलग किया। अरबिक वर्ड्स रौतका, रौतका का मतलब स्टिच्ड, स्टिच्ड। कौन सोच सकता था कि ये सूरज इतना दूर, ये चांद इतने दूर, ये सितारे इतने दूर, ये सब के सब एक थे। कौन सोच सकता था कि ये सब एक थे? कानता रौतकन, ये सब के सब एक थे। फतकना हुमा, फतका का मतलब फाड़ना, फाड़ना, और ये सब फोर्स से अलग हुए। ये चीज साइंस हमें बता रहा है, लेकिन कहां गुमराह हुए और कहां सही रास्ता है, मैं दोनों बताना चाहता हूं। साइंस ये बताता है, और 1973 में दो फ्रेंच साइंटिस्ट ने, उन्हें नोबेल प्राइज मिला ये डिस्कवरी के लिए कि ये पूरा यूनिवर्स मिला हुआ था और फिर बाद में फोर्स से, एक बड़े धमाके से जिसे बिग बैंग कहते हैं, उससे अलग हुआ। उन्हें 1973 में ये पता चला। कैसे पता चला? कई सालों की डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें पता चला अच्छा ऐसा ये मामला है। बट डियर ब्रदर्स, ये जरा ये तो सोचो, ये चीज पहले से कुरान में है, ये एक अलग बात है। मैं वो टॉपिक पे आज बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग टॉपिक है। सोचने की बात यह है कि ये सब जो आसमान और जमीन घुले मिले हुए थे, ये एक थे और धमाके से अलग हुए, और वो लोग ये कहते हैं कि ये बिग बैंग से सब कुछ बना है, बस यहां पे उनकी थ्योरी खत्म हो जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं, जरा ये बताओ कि क्या एक्सप्लोजन से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनता है? मिसाल के तौर पर अगर एक रूम है जिसमें पुरानी गाड़ियां, पुरानी मशीन्स, पुराना सब कुछ इक्विपमेंट भरा पड़ा है, और वहां पर अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो, तो ब्लास्ट के बाद में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो क्या दिखेगा? क्या ऐसा दिखेगा कि वो ब्लास्ट से एक फ्रिज बन गया? ऐसा मिलने का चांस है कि वो पुराना इक्विपमेंट जो है वहां पर एक धमाका हुआ और धमाके से फ्रिज बन गया, एक गाड़ी, नई गाड़ी निकल गई? ऐसा हो सकता है? चाहे कितने भी ब्लास्ट कर लो, उसमें से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं निकल सकता। उससे केओस एंड कंफ्यूजन होगा, उससे और प्रॉब्लम्स ही होने वाले हैं, कोई सिस्टम नहीं बनने वाला है। उसी तरह मान लीजिए एक पेंट की फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे पेंट के डब्बे हैं, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में अगर हम लोग वहां जाएंगे तो क्या मिलने वाला है? ये मिलेगा सब प्लेन, पेंट उड़ा, स्कैटर्ड। क्या ऐसा होने का चांस है कि वो पेंट जो उड़ा, उड़ करके एक इंसाइक्लोपीडिया बन गई, वो उड़ करके जाके वो स्प्लैश हुआ, वो स्प्लैश होने की वजह से एक एनसाइक्लोपीडिया बन गई? कितने भी ब्लास्ट कर लो, वो पेंट फैक्ट्री में से ब्लास्ट करने से एनसाइक्लोपीडिया नहीं निकलने वाली। लेकिन माय डियर ब्रदर्स, ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि ये यूनिवर्स,
ये यूनिवर्स वो बिग बैंग के बाद खुद से बन गया, ये ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया। जो सिस्टम को अगर देखते हैं ना कि अगर ये जमीन सूरज के थोड़ा सा करीब होती तो इतनी गर्म होती कि हम जी नहीं सकते, और थोड़ी सी दूर होती तो इतनी ठंडी होती कि हम जी नहीं सकते। हमारे रहने के लिए जहां पे जमीन को होना था वहीं पे होना था। चांद जमीन के गोल गोल घूम रहा है, जमीन सूरज गोल गोल घूम रही है, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ मूव हो रहा है, और हमारी गैलेक्सी वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के साथ घूम रही है, और वो सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर घूम रहा है, और कुछ भी केओस एंड कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसे देखकर क्या पता चल रहा है कि नंबर वन तो ये खुद से नहीं बन सकता था, डिजाइन है, और नंबर दो जिसकी डिजाइन है वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। साइंस आज हमें बताता है कि ये जो ग्रेविटी की पुल है ना, ग्रेविटी की पुल, हमें पता है ना कि एप्पल का मालूम है ना कहानी, गैलीलियो के सर पे एप्पल हाँ जो गिरा था, तो एप्पल जो जमीन पे गिर रहा है ग्रेविटी की पुल की वजह से। अगर ये ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज्यादा होती कि हम चिपके ही रह जाते, हिल ही नहीं पाते, नहीं, ग्रेविटी की पुल का एक जो पावर है, जो उसकी फोर्स है, वो फोर्स परफेक्ट फोर्स है। और हम देखते हैं कि जमीन के करीब एक प्लैनेट है जुपिटर, जो जुपिटर बड़ा होने की वजह से उसकी ग्रेविटी की पुल ज्यादा है, और वो पुल ज्यादा होने की वजह से जो सारे कॉमेट्स आते हैं, जो सारे मीटियर्स जो आते हैं, वो अर्थ के बाजू में जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है, वो सब जुपिटर पे आते हैं, और जुपिटर पे जाने की वजह से अर्थ सेफ है, नहीं तो ये यूनिवर्स में अर्थ सेफ नहीं रह सकता था। प्लानिंग है, परफेक्ट प्लानिंग है। साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जब ये बिग बैंग हुआ उसके पहले स्प्लिट सेकेंड में जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे के सारे फोर्सेस का जो आपस में प्रोपोर्शन है वो सेट हो गया था पहले सेकेंड के छोटे से फ्रैक्शन में। जो दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहीं पे सेट हो गया था फर्स्ट सेकेंड के फ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन भी अगर नहीं होता तो ये यूनिवर्स फॉर्म ही नहीं होता, और फॉर्म हो जाता तो खत्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो हम देख रहे हैं कि वो परफेक्ट है, यानी उसमें ट्रायल एंड एरर नहीं हुआ कि थोड़ा प्लस करके देखो, थोड़ा माइनस करके देखो, तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, कुछ ट्रायल एंड एरर नहीं हुआ, वो परफेक्टली सेट हुआ। तो यूनिवर्स बना, और यूनिवर्स बनने के बाद ये पूरा सोलार सिस्टम, ये पूरा यूनिवर्स बनने के बाद आखिर में जाकर ये सोलार सिस्टम बना और हमारी जमीन बनी। क्यों बनी? क्योंकि वो परफेक्ट सिस्टम से था। अब ये सारी चीजें सोचने पर एक इंसान को आमादा करती है कि भाई अपनी बॉडी को देखो, अपने आसपास से जमीन को देखो, अपने आसपास ये यूनिवर्स को देखो, क्या नहीं दिख रहा है तुम्हें? ये सब देख के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ऐसे ही नहीं है, ये सब ऐसे ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिल, आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है हमने ऐसे ही नहीं बनाया। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये वो लोगों का गुमान है, थॉट है, जो रिजेक्ट करते हैं, जो इनकार करते हैं। फ़वैलुल्लज़ीना कफ़रू मिनन्नार, तो बहुत बड़ी लानत है इनकार करने वालों के लिए उस अजाब की वजह से, उस आग की वजह से जो तैयार है। तो हमें क्या पता चलता है, सूरह सौद की आयत है, सूरह 38 आयत नंबर 27, कि ये चीज ऐसे नहीं बनी है, ऐसे नहीं बनी है। क्यों सोचते नहीं है लोग, क्यों सोचते नहीं है, क्यों मिलाए दिमाग भाई, दिमाग क्यों मिलाए दिमाग? आप रोड क्रॉस करते हो तो भी लेफ्ट एंड राइट देखते हो, क्यों क्यों सोचते हो, दिमाग इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, एक्सीडेंट नहीं हो जाए? पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें तो दिमाग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर रिलीजन में आके क्यों स्विच ऑफ कर देते हैं? रिलीजन में आकर ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी जिंदगी क्यों है, क्यों मैं जी रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, क्यों नहीं सोचते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ये सब जो है ऐसे ही है, बिना पर्पस नहीं हो सकता, ये सब बिना पर्पस हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। और जिस दिन पता चलेगा तब बहुत लेट हो चुका होगा।
प्लीज अपने खुद के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए. यू हैव टू थिंक, ये सोचना होगा कि जिंदगी क्यों है. और पता है आपको, हम आज का जो लेक्चर बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, हाँ वो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं, बट डू यू नो ये लेक्चर सबके लिए है. क्योंकि सिर्फ एक बार जानना जरूरी नहीं है कि हाँ मुझे मालूम है, अपनी जिंदगी उस चीज को याद रखते हुए गुजारना जरूरी है कि जिंदगी का मकसद क्या है. क्योंकि फैक्ट ये है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उन्हें जिंदगी का मकसद नहीं मालूम है. थियोरेटिकली मालूम होना एक बात है, प्रैक्टिकल जिंदगी क्या चीज का प्रूफ दे रही है, प्रूफ जिंदगी ये बात का प्रूफ दे रही है कि उन्हें नहीं मालूम है. क्योंकि अगर मालूम होता तो ऐसा नहीं करते जैसा कर रहे हैं. तो माय डियर ब्रदर्स, ये लेक्चर जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारे लिए है. इट इज फॉर अस एंड इट इज फॉर दिस वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के लिए है. हमें ये शेयर करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है. क्यों नहीं सोचते हैं भाई लोग, सिर्फ सोचे तो दिखाई देगा. कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी एंजॉयमेंट के लिए. अगर एंजॉयमेंट के लिए है, फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग मुश्किल में हैं, फिर बीमारियां क्यों है, फिर मौत क्यों है, फिर तकलीफ क्यों है, फिर अर्थक्वेक्स क्यों है, सुनामी क्यों है, डिजीजेस क्यों है, फिर ऐसा क्यों है कि कितने सारे लोग भूख से मर रहे हैं. उनको जाके बोलो, कोई ऐसा बच्चा हो जो स्टार्वेशन से उसकी स्किन जो है ना, स्किन हड्डी पे आ गई है, बोन्स पर, देखा है अपने फोटोज, देखा है ना, उसको जाके बोलना बेटा तुम्हारी जिंदगी का मकसद है एंजॉय योरसेल्फ, और वो कम से कम अभी तो हंस देगा. और ये बात है कि जिनके पास पैसा भी है, उन्हें क्यों नींद की गोली खा के सोना पड़ता है. क्यों ऐसा होता है कि कई बार एक आदमी झोपड़े में बहुत अच्छे से सो जाएगा और आदमी जो महल में है ना, उसको नींद नहीं आती है. क्यों ऐसा है कि उसको भी टेंशन्स क्यों है, क्यों है कि वो भी अलग अलग किस्म की परेशानी से गुजरता है, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी रिश्तों का प्रॉब्लम, कभी बिजनेस का प्रॉब्लम. तो हम देखते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी डिफिकल्टी से गुजर रहा है, हर कोई, एवरी वन, हैव्स जिन्हें गिना जाता है या हैव नॉट गिना जाता है, सबके सब गुजरते हैं. व्हाई इज इट, ये दुनिया की जिंदगी एंजॉयमेंट के लिए है? ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है. ये तो ऐसी बात है कि अपने आप को फूल कर रहा है आदमी, बेवकूफ बना रहा है अपने आप को. एंड यू डिजर्व टू नो द ट्रुथ, सच्ची बात जानना जरूरी है, क्योंकि जी रहे हो ना, जी रहे हो, क्यों जी रहे हो जानना जरूरी है. कुछ लोग बोलते हैं हमारी जिंदगी अच्छा काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए. क्यों अच्छा करने के लिए, मालूम होना चाहिए. अच्छा करना है, क्यों करना है? क्योंकि अगर नहीं मालूम है ना क्यों करना है, तो ये अच्छा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं अच्छा करना है, लेकिन जब सब लोग गलत करने लगते हैं सोसाइटी वाले, तो तब भी अच्छा क्यों करें, क्यों करें? पता है आपको ये अच्छा, अच्छा क्यों गिनाया जाता है? व्हाट इज अच्छा, व्हाट इज बुरा? अच्छा अच्छा क्यों है, बुरा बुरा क्यों है? सब लोग बोल रहे हैं ये अच्छा है हालांकि वो है बुरा, और सब लोग बोल रहे हैं बुरा है हालांकि अच्छा. तो क्या मेजॉरिटी से तय करेंगे? ज्यादा लोग जो बोलते हैं वो अच्छा, मेजॉरिटी वोट विंस. पता है आपको, एक टाइम था जब ये दुनिया के अंदर अक्सर लोग, तकरीबन सब लोग ये मानते थे जमीन चपटी है. लोग ये मानते थे, एक टाइम था कि ये वर्ल्ड इज फ्लैट, द अर्थ इज फ्लैट. लेकिन वो जमाने में अर्थ फ्लैट था क्या? वो जमाने में जब लोग मानते थे द अर्थ इज फ्लैट, तब अब फ्लैट था क्या? तभी भी फ्लैट नहीं था. तो ज्यादा लोग मानने से फैक्ट नहीं चेंज हो जाता. अगर दो और दो पांच है, अगर मेजॉरिटी लोग बोलने लगे दो और दो मिला के पांच हो जाते, तो क्या पांच हो जाएंगे? क्या पांच हो जाएंगे? तो जो लोग बोलते हैं ना अच्छा करना मकसद है, हम ये कहते हैं अच्छा किसे बोलते हैं और बुरा किसे बोलते हैं? अगर ज्यादा लोग बुरा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बुरा कर रहे हैं, बुरी चीज को सही कहा जा रहा है, तो भी क्यों बुरा ना करें? क्यों? अगर दिल की ख्वाहिश हो कि मैं बुरा करूं, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो भी बुरा क्यों नहीं करूं? अगर आपको जिंदगी का मकसद मालूम है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई नहीं देख रहा है फिर भी मैं बुरा नहीं करूंगा. सीक्रेट एंड पब्लिक दोनों में अलग जिंदगी का मकसद नहीं होगा. आप टॉयलेट में हो तो भी आपका जिंदगी का मकसद आपके साथ है, आप पब्लिक में हो तो भी जिंदगी का मकसद आपके साथ है. आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी का मकसद हर चीज में गाइड करेगा एक इंसान को. एक इंसान की जिंदगी में अगर उसको पर्पस पता है ना,
तो अप्स एंड डाउन्स में जब अप आएगा तो गुरूर में नहीं आएंगे, और जब डाउन आएगा तो डिप्रेशन में नहीं आएंगे। जिंदगी का मकसद मुझे मालूम है, मैं कहां जा रहा हूं। अप आए डाउन आए, आने दो जाने दो, नो प्रॉब्लम, बट आई नो वेयर आई एम गोइंग। ये कैसे होगा? जब जिंदगी का मकसद पता हो। तो हम सब ये देख रहे हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिंदगी का, व्हाई एम आई लिविंग, मेरी जिंदगी क्या है। ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल के ताल्लुक से मिसगाइड करने वाले बहुत से लोग दुनिया में भरे हुए हैं, जो गलत थ्योरी दे करके छोड़ देंगे। हमारे लिए जानना जरूरी है व्हाई आर वी लिविंग, और सिर्फ जानना नहीं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूरी है। तो मैं आप सबके सामने कुछ फैक्ट्स और ट्रुथ रखना चाहता हूं, और याद रखिए, सच्ची चीज में इतना पावर है कि आपको सच्ची चीज क्लियर दिखाई देगी। सच्ची चीज इतनी स्ट्रांग होती है कि कुरान में अल्लाह ने बताया, वकुल जाल हक व जहकल बातिल, कहो हक आ गया, सच्ची चीज आ गई, ट्रुथ आ गया, और जहकल बातिल, बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना जहूका, बातिल को, फॉल्सहुड को, झूठ को, गलत चीज को मिटना ही था। तो ट्रुथ में एक पावर होता है। कुरान की सूरह 17 आयत नंबर 81 है, और कुरान में अल्लाह ने कहा, कद तबयना रुश्दु मिनल गई, सही और गलत क्लियर है, क्लियर है। तो हम अपनी जिंदगी के मकसद को देखते हैं कि क्या है ये जिंदगी का मकसद। सबसे पहली बात, हम सबको इस बात को देखकर पहचानना चाहिए कि ये यूनिवर्स ऐसे ही नहीं बना, इसका बनाने वाला है। हमारी जिंदगी, बॉडीज ऐसे ही नहीं बनी, हमारा बनाने वाला है, उसने बनाया तो हम बने। पता है आपको, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम, आप यहां बैठे सुन रहे हो लेकिन दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन में है, बॉडी के सारे सारे फंक्शंस अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं बहुत डेलिकेट है। थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए तो एक इंसान मर जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ ऐसी चीजें हैं जो गलत हो सकती है इस सेकंड पर, इस वक्त पर हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो गलत हो सकती है, लेकिन कोई है जो कंट्रोल किया हुआ है कि वो गलत नहीं हो रही है। कोई है जिसकी बात हमारे सारे ऑर्गन सुन रहे हैं, हमारे बॉडी के हर पार्ट, हर चीज जिसकी बात सुन रहे हैं, कोई है जिसने कंट्रोल किया हुआ है ये पूरे सिस्टम को। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन वो जो कंट्रोल करने वाला है, उसकी मर्जी से वो हंड्रेड्स ऑफ चीजों के में से कोई एक चीज या दो चीज या कई चीज गलत हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। हमारी मौत क्यों होती है, क्या बताती है ये बात? हमारी मौत इस बात को बताती है कि ये सिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है। थोड़ी सी चीज गलत हो जाएगी तो मर जाता है इंसान, थोड़ा सा दिल धड़कना बंद हो गया तो मर जाएगा इंसान, सांस बंद हो गई तो मर जाएगा इंसान। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स है जो गलत हो सकती है लेकिन नहीं हो रही है। क्यों? कोई रुका हुआ है। क्या आपको पता है, ये जमीन है, ये जमीन में हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो गलत हो सकती है, जिसकी वजह से ये पूरी जमीन तहस नहस हो जाएगी। ये यूनिवर्स में हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो गलत हो सकती है, जिसकी वजह से यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई है जो ये सारी चीजों को रोका हुआ है, नहीं होने दे रहा है। वो कौन है? जिसने बनाया ये सब चीज, जिसने ये यूनिवर्स को बनाया, जिसने हमारी बॉडीज को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, वो कौन है? उसको जानना और मानना और पहचानना कंपल्सरी एक इंसान के लिए। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब का एक ही मालिक है, चाहे कोई इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जुबान का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कलर का हो, सबके सबका मालिक एक ही, और वो मालिक को पहचानना हर इंसान के लिए जरूरी है। और जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो एक बात क्लियर हो जाती है कि हल तरा मिन फुतूर, कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह 67 सूरह मुल्क में, हल तरा मिन फुतूर, देखो आसमानों को, कुछ मिस्टेक दिख रही है, कोई गड़बड़ दिख रही है। फर्जील बसरा, फिर से देखो, फिर से देखो, क्या कोई चीज, कोई मिस्टेक दिख रही है? तुम्हारी नजरें थक करके वापस आ जाएगी, कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स को देखकर क्लियर हो जाता है कि ये बनाने वाला परफेक्ट है, परफेक्ट है। क्योंकि अगर परफेक्ट नहीं होता ना, ये यूनिवर्स कब का खत्म हो गया होता। इतना इंट्रिकेट सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं चल सकता
सिवाय एक परफेक्ट बनाने वाले के, जिसका क्रिएशन परफेक्ट है। और वो जो परफेक्ट है उसके परफेक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये पहचानना ज़रूरी है कि उसे कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही परफेक्ट है। जो इम्परफेक्ट होता है उसको मददगार चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिकॉर्डिंग टीम है, कोई यहाँ बैठा है साउंड पर, कोई वहाँ बैठा है कैमरे पर, कोई एक एडिटिंग में बैठा होगा, अलग अलग लोग। क्यों? एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला परफेक्ट है, उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद परफेक्ट है। हम देखते हैं कि एक गाड़ी में अगर दो ड्राइवर होते तो गाड़ी का क्या होता? अगर गाड़ी में दो ड्राइवर होते, दो दिमाग होते जो ड्राइव कर रहे हैं, तो वो गाड़ी में डेफिनेटली एक्सीडेंट होता, केओस होता, कन्फ्यूजन होता। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरतुल अंबिया में, सूरह 21 आयत नंबर 22, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते, गॉड्स होते, श्योरली फसाद हो जाता, श्योरली फसाद हो जाता। तो कोई और मालिक है ही नहीं, वो एक है। अगर अनेक होते, बहुत सारे होते, तो पूरा केओस, कन्फ्यूजन, सब चीज़ तहस नहस हो जाती। तो समझना हम सबको ये है कि वो एक मालिक है और उसकी साइंस बहुत क्लियर है, हम उसको नहीं देख सकते, यही तो इम्तिहान है, लेकिन उसकी निशानियों को देख सकते हैं। और देखने वालों के लिए क्लियर प्रूफ मौजूद है कि ये सब ऐसे नहीं बना, ये हमारी बॉडी ऐसे नहीं बनी, ये सब कोइंसिडेंस की बात नहीं है। इत्तेफाक, 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 कोइंसिडेंस का चांस ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। हम देखते हैं कि वो एक मालिक है, उसी के हाथ में सब कुछ है, और हम सबको अपनी इबादत, अपना जीना, अपना मरना, सब कुछ उसके लिए करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में अगर हम ये पहचान लें कि हमारा मालिक कौन है और उससे कनेक्ट होकर ज़िंदगी गुजारे, तो एक इंसान की ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होगी। क्यों? क्योंकि हम सब वीक हैं, हम सब कमज़ोर हैं, हम सब में कमियां हैं। अगर एक इंसान समझ लेता है कि कौन है उसका मालिक, और वो उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होता है, उससे मदद मांगता है, उसके साथ उसका कनेक्शन जुड़ता है, तो वो कमज़ोर इंसान बहुत स्ट्रांग बन जाता है। वो कमज़ोर इंसान में बहुत सारी ताकत आ जाती है। वो कमज़ोर इंसान जब अप में आएगा तो पहचानेगा मेरा मालिक बहुत बड़ा है, उसने मुझे उठाया, और जब गिरेगा तो पहचानेगा उसने मुझे इम्तिहान लिया। इससे कनेक्ट होता है हमारी दूसरी बात कि दुनिया की ज़िंदगी एग्ज़ाम है, इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो जिसने मौत बनाई और ज़िंदगी बनाई, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आज़माएं, तुम्हारा एग्ज़ाम ले, तुम्हारा टेस्ट ले कि तुम में से कौन है जो अच्छे काम करता है। सूरह मुल्क सूरह 67 आयत नंबर 2, उसने मौत भी बनाई, उसने ज़िंदगी बनाई ताकि हमारा टेस्ट ले, इम्तिहान ले। ये दुनिया की ज़िंदगी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम। पता है आपको, जो लोग ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानते, वो लोग इस बारे में बहुत ट्रबल्ड होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया में इससे तकलीफ़ क्यों है। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि कौन है, क्यों जी रहे हैं, तो क्या होगा? सुकून हो गया। मुश्किल है, एग्ज़ाम है, आजमाइश है, इम्तिहान है। अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, ये फुल के फुल चीज़ एक एग्ज़ाम है। बाद ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाता है। और हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ इंसान को समझ में आ जाए कि मैं जो दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे साथ कई चीज़ें हो रही है, कभी पैसा ज़्यादा भी हो जाता है जेब में, बैंक में, कभी कम भी हो जाता है, कभी हम देखते हैं कि सेहत अच्छी भी होती है, कभी ख़राब भी होती है, और कभी ज़िंदगी होती है, कभी मौत आने वाली है। तो अगर ये चीज़ इंसान को समझ में आ जाए तो एक बात समझ में आएगी कि ये दुनिया की ज़िंदगी में एग्ज़ाम चल रहा है। ये कई लोग ये पूछते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वैसा क्यों कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, एग्ज़ाम है, वो भी एग्ज़ाम है, वो भी एग्ज़ाम है, हर कोई एग्ज़ाम है, हर चीज़ इम्तिहान है। और कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह 2 सूरह बकरा आयत नंबर 155, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, मैं तुम्हें यकीनन आजमाऊंगा खौफ से, डर। अलग अलग तरह के डर है ज़िंदगी में, बीमार पड़ने का डर, किसी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी का डर, इकोनॉमिक फिनेंशियल प्रॉब्लम का डर, सिक्योरिटी का डर। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, मैं तुम्हें यकीनन आजमाऊंगा खौफ से, कोई खौफ, कोई डर से, वलजू भूख से, व नक्स मिनल अमवाल, माल के नुकसान से, पैसा लॉस हो जाता है,
मोबाइल टूट गया, कंप्यूटर खराब हो गया, चोरी हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, एजुकेशन हासिल किए नहीं मिला, जॉब लॉस हो गया, अलग अलग तरह के नक्स मिनल अम्वाल, माल के नुकसान से, वल अनफुसी जान के नुकसान से, किसी की मौत हो गई, किसी रिलेटिव की मौत हो गई, कभी बच्चे की मौत हो गई, कभी पेरेंट की मौत हो गई, रिलेटिव की मौत हो गई, उससे अल्लाह आजमाता है। वल व समरात, मेहनत के फलों के नुकसान से, मेहनत किए किए फल ही नहीं आया, आदमी सोचता क्यों नहीं है कि ये फल नहीं आया, ये भी इम्तिहान है, ये भी पता चलता है, ये एक निशानी है उस मालिक को पहचानने के लिए। तो हम देखते हैं अलग अलग तरह के इम्तिहान है। फबशर साबरीन, लेकिन खुशखबरी दो सब्र करने वालों के लिए। तो हमारे सवाल का जवाब कि जिंदगी का मकसद क्या है, कुरान में सूरह 51 आयत नंबर 56 सूरह ज़ारियात में है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहता है मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। अपनी इबादत यानी उसके आगे अपनी मर्जी को सरेंडर कर देने के लिए बनाया है, उसकी मर्जी के सामने अपनी मर्जी को झुका देने के लिए बनाया है, सिर्फ उसकी इबादत के लिए बनाया है। तो हम देखते हैं कि पहचानना के मालिक है नंबर वन, नंबर दो एक अकेला है। इल्ला लियाबुदून इस मानने में है इल्ला ली वाहिदून, पहचानना कि वो अकेला है, उसके सिवा कोई नहीं है जिसके लिए हमारी इबादत हो, सिर्फ एक है जिसकी हमारी इबादत हो, जिसकी इबादत हो। और नंबर तीन अपनी मर्जी को सरेंडर करने के लिए, इसमें सुकून है एक इंसान को, इसमें एक इंसान के लिए पावर है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एग्जाम के अंदर गलत चीज़ें भी दिखती है, आंसर मिलता है हमें, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। हम देखते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि ये ऐसा करने वाले जालिम क्यों हैं दुनिया में, क्यों है भाई। बहुत सारे लोग जब ये देखते हैं कि कोई जुल्म करने वाला है, कोई गलत काम करने वाला है, उसका हाथ पकड़ने वाले भी नहीं होते, कोई नहीं होता है जो उसका हाथ पकड़े उसको रोके। कई लोग जो सिर्फ दुनिया से उम्मीद लगा के रखते हैं, और जब देखते हैं दुनिया में फुल जस्टिस नहीं है, मालूम है आपको दुनिया में फुल जस्टिस नहीं है, थोड़ा कुछ बदला मिल सकता है लेकिन फुल जस्टिस नहीं है। हम देखते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी जो एक एग्जाम है, इम्तिहान है, अगर उसके अंदर एक इंसान देखे कि भाई कितने सारे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, कितने सारे टायरेंट्स हैं, कितने बड़े बड़े जालिम हैं जो हंसते हुए जीते हैं, हंसते हुए मर भी जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना देखो यहां मिलेगा मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी सही बात है लेकिन सिर्फ इस दुनिया में नहीं। समझना ये है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसने हमें पहली बार बनाया उसके लिए हमें फिर से बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया उसके लिए हमें फिर से बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या वो इंसाफ नहीं करेगा? क्या हम आसमानों को देखकर ये नहीं समझ सकते कि आसमानों में जो परफेक्शन है वो परफेक्शन के हिसाब से इनजस्टिस नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा। अगर इनजस्टिस होना था जो इम्परफेक्शन है, भाई इंसाफ जो है परफेक्शन की बात है, ना इंसाफी जुल्म इम्परफेक्शन है। ये दुनिया के अंदर हम लोग जुल्म देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और कितने सारे लोग हैं बुरा काम है करते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं दुनिया में ये सब चल रहा है, इंसाफ कहां है? क्या जवाब है इसका? इंसाफ कहां है? वेयर इज जस्टिस? आसमानों को देख के तो परफेक्शन दिखता है, यहां देख के इम्परफेक्शन दिखता है, तो यहां का परफेक्शन कहां है? दोनों मैच नहीं हो रही है। सही बात क्या है पता है? जिसने हमें फिर से बनाया वो फिर से बनाएगा, जिसने हमें बनाया पहली बार फिर से बनाएगा। जरा सोचो, अगर कोई मां के पेट में जो बच्चा है, अगर हम लोग उस बच्चे से बात कर सकते हैं कि बच्चा तुम अंदर हो, तुम बाहर आओगे तो देखोगे यहां बहुत बड़ी दुनिया है, अंदर तुम्हारे मां के पेट में छोटी सी दुनिया है तुम्हारी, बाहर ये बहुत बड़ी दुनिया है, यहां पे एरोप्लेन भी उड़ते हैं, यहां पे एक सूरज है जो राइज होता है सनसेट होता है, यहां पे आसमान है, फिजा है, परिंदे हैं, जानवर हैं, बहुत सारे इंसान हैं। अगर वो बच्चे से हम लोग बात कर सकते तो बच्चा हमारी बात बिलीव करता? जो माँ के पेट में रहता है उसकी वही दुनिया है, वो उसको समझ में नहीं आता कि यहां ऐसी दुनिया है, उसको नहीं पता होता। सही बात तो ये है कि हम लोग यहां हैं ना, हम लोगों ने आगे की दुनिया नहीं देखी है, बहुत बड़ी दुनिया। जन्नत के बारे में कुरान में आता है अर्दुह समावात वल अर्द, जिसकी चौड़ाई
आसमान और जमीन की जितनी है, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, तकवे वालों के लिए अल्लाह ने बनाई है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरा पूरा इंसाफ होने वाला है। अब क्या हुआ, पूरा पूरा रिकॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। अगर आपने एक छोटी सी अच्छे काम किया, फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया वो देखेगा। वमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने थोड़ा सा भी बुरा किया वो भी देखेगा। तराजू होगा, तराजू, तराजू जो होता है ना इंसाफ का एक निशानी होती है तराजू। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, फमा मन थकुलत मवाज़ीनुह, फिर वो जिसका तराजू नेकी का भारी निकलेगा, नेकियां ज्यादा निकलेगी, फहुआ फी ईशत रादिया, उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की जिंदगी है। वह अम्मा मन खफत मवाज़ीनुह, लेकिन जिसका तराजू हल्का निकलेगा, नेकी कम है गुनाह ज्यादा है, नेकियां हल्की है, नहीं किया उसने गुड डीड्स, कर सकता था नहीं किया, फउमू हाविया, उसके लिए एक खाई है। वमा अदरा कमाहिया नारुन हामिया, और तुम्हें क्या बताएगा ये हाविया क्या है, वो आग, भड़कती हुई आग है। मेरे ब्रदर्स, क्या आपको पता है एग्जाम थोड़ा ही होता है, एग्जाम जो होता है ना 3 घंटे का एग्जाम होता है, पूरा साल उस पर डिपेंड होता है, पूरा करियर डिपेंड होता है। वो एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हो वो देखा जाएगा। ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी में बहुत चांस दिए। एटीकेटी मालूम है, एटीकेटी अलाउड टू कीप टर्म। बॉम्बे में ये सिस्टम चलता है कि कॉलेजेस में मान लो आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको प्रमोट कर देंगे, आगे बढ़ो, लेकिन यू अलाउड टू कीप टर्म, पिछले जो सब्जेक्ट में फेल हो गए वो कवर कर लो, उसका एग्जाम देकर पास हो जाओ। कितने सारे लोग हैं गलत काम करते हैं, बल्कि हर इंसान करता है, गलत करते ही सजा नहीं मिलती है, अलाउड टू कीप टर्म, जिंदगी चल रही है, लेकिन रिपेयर कर लो, माफी मांग लो। ऊपर वाला परफेक्ट है तो परफेक्टली मर्सीफुल भी है, मोस्ट मर्सीफुल है, लेकिन इंसाफ भी करता है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई चीट नहीं कर सकता। सिंसियर रहो, सिंसियर, नकली मत बनो, सिंसियर रहो, वो पूरा इंसाफ करेगा। यू विल गेट वॉट यू डिजर्व, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। हम जिस चीज के लायक है हमें वही मिलने वाला है। तो हम देखते हैं गलत किया, अलाउड टू कीप टर्म, फिर से गलत किया, फिर से गलत किया, फिर से गलत किया, फिर से गलत किया, अलाउड टू कीप टर्म। लेकिन एक टाइम आएगा जब मौत आ जाएगी, मौत आ गई, फिनिश, अब बहुत टाइम मिल गया तुम्हें, अब सफिशिएंट टाइम था कि जिसको शुक्रगुजारी करनी थी, जिसको अच्छा बनना था वो बन जाता, फुल चांस मिल गया तुम्हें। अब क्या है, अब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुमने जो किए उसका भुगतान मिलेगा, और उससे बच नहीं सकते। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब बातें हम जो कर रहे हैं ना, कई सारे लोग डिनायल मोड में रहते हैं, डिनायल मोड, कई सारे लोग अपने आप को धोखे में रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं बस इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय करो, यहां पे मजे करो, लेकिन फैक्ट ये है अपने आप को चीट कर रहे हैं वो लोग, अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, दे आर इनसिंसियर टू देमसेल्व्स। किसी और का नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, मत करो ऐसा, आंखें खोलो, देखो, सोचो, गिव इट अ चांस, दिलो दिमाग को ओपन कर दो, बस बंद करो, गिव इट अ चांस। ऐसे ही नहीं जी रहे हैं, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के अंदर जब रिजल्ट सामने आएगा तो बचने का कोई तरीका नहीं होगा। तो एक तरफ सारी नेकियां, दूसरी तरफ सारे गुनाह, और वो दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है। कई लोग बोलते हैं कि ये हमेशा की जिंदगी, और यहां पे छोटा सा एग्जाम, 60 इयर्स 50 इयर्स 70 इयर्स 80 इयर्स, वहां पे करोड़ों 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 साल की जिंदगी, इतनी सी जिंदगी यहां पर, तो अच्छा है बुरा है? अच्छा है। सोचो 1 करोड़ साल की जिंदगी होती, हमारी जिंदगी है ना 1 करोड़ साल की होती, अगर 1 लाख साल की होती, 1,000 साल की होती, 10,000 साल की होती, तो एग्जाम ज्यादा टफ होता कि ईजी होता? ज्यादा टफ होता। यहां पे पेशेंस जो करना है ना, सब्र, इतना करना है, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 30 इयर्स 40 इयर्स, जितनी भी दिया ऊपर इतना, बस रिजल्ट हमेशा हमेशा मिलने वाला है। एग्जाम इतना सा, बस इतना सा पेशेंस कर लो, थोड़ा सा संभाल लो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा दिल को बहला लो, रुका लो, तमन्नाओं को पूरा करने का टाइम मिलेगा बाद में, रिजल्ट के टाइम पे, अभी नहीं।
अभी कंट्रोल करो, अभी सिजनुल मोमिन, ईमान वाले के लिए ये कैद खाना है। दुनिया सिजनुल मोमिन, वो जन्नतुल काफिर, और काफिर की ये जन्नत है, रिजेक्ट करने वाले की ये जन्नत है उसकी, ये दुनिया की जिंदगी तकलीफ परेशानी मुश्किलों के साथ ये उसकी जन्नत है। ये दुनिया कैद खाना है, कंट्रोल कर लो बस इतना सा। जैसे हम लोग चावल की अगर मान लो पूरी पूरी बोरी है, पूरी सैक ऑफ राइस है, अगर चेक करना है तो एक एक दाने की चेकिंग नहीं करेंगे हम लोग, थोड़े दाने चेक करेंगे, बोलेंगे हाँ ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। सैंपल अगर मान लो 1 करोड़ साल की जिंदगी होती ना, तो जो ये आदमी 60 साल में करता जनरली वही कंटिन्यू होता, और फेल होने के चांस बढ़ते जाते, क्योंकि जितनी लंबी जिंदगी, अगर 1 करोड़ साल की जिंदगी आदमी क्या सोचता है, क्या 1 करोड़ साल जीना है, अभी इंजॉय करूं, लास्ट लास्ट में अच्छा बन जाऊंगा, जैसे यहां लोग सोचते हैं, लेकिन लास्ट कब है मालूम ही नहीं है। ये भी ऊपर वाले का रहमान एहसान है, कब हमारी एक्सपायरी हमें मालूम ही नहीं है, हमारे ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई नहीं कि ये बर्थ डेट मालूम है, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, वैलिडिटी कितनी है ये बॉडी की किसी को मालूम ही नहीं, एनी टाइम एक्सपायरी हो जाती, किसी भी टाइम एक्सपायरी हो जाती, इसीलिए बी रेडी ऑलवेज। कोई पता ही नहीं है कि 60 साल होके मरने वाले बहुत सारे लोग हैं, अगर आप नेट पे सर्च करें जो 30s में मरने वाले लोग, कितने सारे, हाँ नेट पे ऐसी वेबसाइट्स किसी ने बना के डाला हुआ है, 30 में प्रोमिनेंट बहुत सारे लोग मरने वाले, 40 में मरने वाले, 50 में मरने वाले, कितने सारे लोग। बॉम्बे की म्यूनसिपल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन आती है अराउंड 1/3 हर साल यंग लोगों की आती है। तो ये चीज़ मानना कि 60 ईयर्स होके मरते हैं ये कोई सही बात नहीं है, सही बात ये डेथ कभी भी आती है। तो अच्छा ही है, अगर मालूम होता ना 70 ईयर्स के बाद ही मरते हैं तो बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं, 60 ईयर्स तक मैं गलत काम करूँगा, लास्ट के 10 ईयर्स अच्छे काम कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर एनी टाइम मौत आ जाती है। तो कॉट अनअवेयर्स, हमेशा रेडी रहना, समझदारी है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं दावत देता हूँ, अपने आप को अपने मालिक से दूर मत रखो, परेशान जीते क्यों हो, सुकून से जियो, खुशी खुशी जियो, इत्मीनान से जिंदगी गुजारो, एम्पावर्ड लाइफ, हैप्पी, ट्रू हैप्पीनेस, सच्चा सुकून इसी चीज में है कि अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, अपने आप को बचा लो। हसद से बचाने का बेस्ट तरीका जिंदगी का मकसद। मैं देख रहा हूं इनके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत पैसा है, स्ट्रांग है, हसद होगा, इम्तिहान है उसका, वो इम्तिहान है मेरा, ये इम्तिहान है। हसद से बच जाता है दिल, लालच, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फर्नीचर, मुझे इससे अच्छा फर्नीचर चाहिए, इससे अच्छा घर चाहिए, इससे अच्छी गाड़ी चाहिए, इससे अच्छा ये चाहिए। लेकिन जब पता है कि मैं छोड़ के आऊंगा, मेरे बाद कोई और मालिक बनने वाला है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी किसी और की बनने वाली है, और ये दुनिया में हमेशा जीने वाला नहीं हूं, मेरी जिंदगी रियल जिंदगी आगे वाली है, तो फिर क्या हुआ, जब ये बात पता चल जाती है कितना क्लियर हो जाता है ना, फिर लालच आती है, लालच, ग्रीड, और पता है लालच से क्या होता है, सुकून नहीं होता है, कंटेंटमेंट, कनाथ, दौलत है ये, मालदारी दिल में होती है। जब लालच दिल में होती है ना, तो आदमी सुकून ही नहीं होता है, परेशानी जीता है वो। लालच से बच गया इंसान, जिंदगी का मकसद पता हो तो, जिंदगी का मकसद पता है तो हसद से बच गया, लालच से बच गया, बल्कि क्या है पता है आपको, दुनिया में जितनी बुराइयां हैं ना, ये इसलिए है क्योंकि लोगों को जिंदगी का मकसद मालूम नहीं है। अर्रायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सूरह माउन में है, सूरह नंबर 107 कुरान में, क्या तुम देखते नहीं उसे जो कयामत के दिन को झुठलाता है, इनकार करता है, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, यही वो शख्स है जो यतीम को हकाल देगा, यतीम आएगा ना, हकाल देगा, وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ, गरीब मिस्कीन को खाना खिलाने इनकरेज नहीं करेगा, खिलाने की क्या जरूरत है, गरीब है वो, उसके खिलाने में उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो क़यामत के दिन को नहीं मानता है, मानेगा तो जाकर दुनिया में सच्ची तौर पर अच्छाई आती है, शो के लोग होंगे, शो के, शो, अवार्ड चाहिए तो अच्छा करेंगे दिखाने के लिए, वोट चाहिए, आपके वोट्स चाहिए तो आएंगे इलेक्शन टाइम पे, अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ अवार्ड चाहिए, कुछ ना कुछ मकसद चाहिए, और मकसद अचीव हो गया तो चले आएंगे, वो नहीं रहेंगे, बल्कि कई बार उसका ऑपोजिट करेंगे,
जब उनका मकसद कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, वो लोग रियल नहीं होते हैं। ऐसे नकली लोग भरे हुए हैं दुनिया में। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको मैं दावत देता हूँ, अपने आप को कनेक्ट कर लो उस मालिक से, अपने आप को कनेक्ट करो अपनी जिंदगी के मकसद से। और ये सच्चा मकसद अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, हम सब का मालिक एक ही है, उसने अपने सारे मैसेंजर्स के जरिए, पैगंबरों के जरिए सेम मकसद सारे इंसानों के लिए बताया। यही मकसद है सारे इंसानों का कि दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है और वो एक मालिक है, और हम सब की सारी श्रद्धा, सारी इबादत, सारी उपासना, सारी वर्शिप उसी के लिए होनी चाहिए। कंट्रोल करने वाला एक है, हर चीज उसी का चलता है, हमारी बॉडी के अंदर हो, जमीन पे हो, आसमानों में हो, हर जगह पर उसी का चलता है, तो वर्शिप भी उसी की होनी चाहिए। एक बंदा दूसरे बंदे के सामने क्यों झुके, एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों मांगे, हम उसे एक मालिक से मांगे, वो बनाने वाला है, वो देने वाला है, उससे उम्मीद करें। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसका एक बॉस है कंपनी में, बॉस बोलता है ये करो ये करो, वो करता है। और दूसरा आदमी हो जिसके 10 बॉसेस हो, 10, एक बॉस बोलता है ये करो, दूसरा बोलता है नहीं वो करो, तीसरा बोलता है वो करो, चौथा बोलता है वो करो, पांचवा बोलता है ये करो, तो दोनों में से किसके पास पीस ऑफ माइंड होगा? हाँ, दोनों में से पीस ऑफ माइंड जिसका एक बॉस है उसके पास होगा, या जिसके 10 बॉसेस है उसके पास होगा? हाँ, जिसका एक बॉस है वो पीस ऑफ माइंड होगा, ये 10 बॉसेस है इसका कहां से पीस ऑफ माइंड होगा? जब एक इंसान वर्शिप, उपासना, इबादत एक की किया, दूसरे की किया, तीसरे की किया, चौथी की किया, पांचवी की किया, छठे ने किया, सातवें की किया, आठवें ने काम बिगाड़ दिया, नौवां उससे नाराज हो गया, अब क्या होगा उसका? कहां सुकून होगा, कहां पीस ऑफ माइंड होगा, कितना टेंशन है उसको, उसकी वर्शिप को लेकर कितना टेंशन है। हम कहते नहीं, अच्छे लोगों से अच्छी चीज सीख सकते हो, लेकिन वर्शिप किसी इंसान की नहीं है, वर्शिप तो उस बनाने वाले की है, उस मालिक की है, उसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। तो यहां एक सिंपल सी बात है कि हम सब का मालिक है, उससे कनेक्टेड रहना। भाई एक बार है ना, किसी को पता है वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह कहता है मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया, कितने लोगों को मालूम है? लेकिन जिंदगी देखो ना, टैली नहीं हो रही, जिंदगी टैली नहीं हो रही। ये बोले कि मुझे जिंदगी का मकसद मालूम है, लेकिन जिंदगी भरी हुई है, फर्नीचर भरना है, घर भरना है, चीजें एंजॉय करने में, एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। आपकी जिंदगी और आपका थियोरी और प्रैक्टिकल में कॉन्ट्रोडिक्शन दिख रहा है। क्या आपको मालूम है आप क्यों आए हो? क्या आपको मालूम है ये नहीं है पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ कुछ और है, वो भूल गए, इसके पीछे पड़ गए। ये दुनिया है, वो आखिरत है, वो असल है, ये टेम्पररी है। तो कई सारे लोग हैं, और सही बात यह है कि अक्सर इंसान जब नहीं समझते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस होता है, या तो उनको इन्फ्लुएंस करो, या तो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ, या तो उन तक बात पहुंचाओ, या उनकी बात आप तक आएगी। यही सिस्टम है दुनिया में, इंसानों में ऐसा ही होता है, या तो आप पास ऑन करोगे सही बात, या तो उनकी बात आप तक आ जाएगी। तो कई सारे लोग हैं जब ये माहौल में कोई बॉदर्ड ही नहीं है यार, कोई बॉदर्ड ही नहीं है दुनिया में, किसी को फिक्र ही नहीं लगी है कि मरने के बाद क्या होने वाला है, तो ऐसे माहौल में इंसान पे लगता है इतने सारे लोग फेल हो रहे हैं, मैं भी फेल हो जाऊं, फेल क्या हुआ, यही सक्सेस लगता है, ऐसा लगता है दिस इज सक्सेस, लेकिन ये सक्सेस नहीं है, ये जो छोड़ के जाना है। कितनी क्लियर बात है ना, कब्र में जाते हैं तो कोई प्रॉपर्टी नहीं डालते हैं, कोई गाड़ी वहां नहीं डाली जाती है, कोई चीज वहां नहीं डाली जाती है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाते हैं। कितनी क्लियर प्रूफ है ना, देखने वाले के लिए, सोचने वाले के लिए, इससे बड़ी बात क्या है। देखिए कैसा है ना, इंसान क्लियरली अपने दिमाग को स्विच ऑफ करते हैं, क्लियर दिखता है, क्योंकि सोचने वालों के लिए कितनी सारे प्रूफ है, फिर भी ये देखते हुए अनदेखी कर दिए, सोचते हुए नहीं सोचते हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम लायर जियुन, वो क्या है, बहरे गूंगे गूंगे बहरे अंधे नहीं आएंगे वापस, वो सुनते ही नहीं है, देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, क्यों ऐसा कर रहे हो अपने साथ? तो मानो या नहीं मानो, आप मानते हो या नहीं मानते हो, ये होने वाला है कि हम सब जिंदा होने वाले हैं, हमारे साथ फुल इंसाफ होने वाला है, और ये रियल पर्पस ऑफ लाइफ है कि हम उसे एक मालिक को पहचाने, उसी की इबादत करें, उसके आगे सरेंडर कर दें। और सरेंडर कर देने में समझदारी है, सुकून है, इत्मीनान है, सक्सेस है, ये रियल सक्सेस है। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह आल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका, टेस्ट चखना ही है,
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ ریکمپنسیشن صرف قیامت کے دن ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پھر وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وہ ادخل الجنہ جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آنکھ سے بچ گیا جنت پہنچ گیا, ہی سکسیسفل. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کیونکہ دنیا کی زندگی ہے دھوکے کا سامان, دھوکا ڈسیپشن. دنیا میں بہت سارے ڈسیپشنز ہیں برادرز, ڈسیپشن ہی ڈسیپشن بھرے ہوئے. اگر ایسا ہوتا کہ جیسے ایک انسان نیک بن رہا ہے ایسے اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے, جتنے نیک کام کیے اتنی پراپرٹی بڑھ گئی, جتنے اچھے کام کیے اتنی پراپرٹی بڑھ گئی, جتنا ایمان بڑھا اتنی پراپرٹی بڑھ گئی, اتنا پیسہ بڑھا اتنی طاقت بڑھی, اتنی عزت بڑھی, اتنی شکل اچھی ہو گئی. اور جیسے برے کام کیے ایسے غریب ہوتے جا رہے ہیں, جتنے برا کر رہے ہیں اتنے غریب, جتنا برا کام کر رہے ہیں اتنی شکل خراب ہو رہی ہے, جتنا برا کام کر رہے ہیں اسی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی دھوکہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دھوکا ہے, دھوکا, گڈز اینڈ چیٹلز آف ڈسیپشن, یہ دھوکا ہے, دھوکا ہے, اس میں مت پڑنا, ڈونٹ گیٹ ڈیلیوڈڈ. ایگزام ہے بھائی, ایگزام. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, دنیا میں شراب بھی ہے, اچھی چیزیں بھی ہیں, شیطان ابلیس دھوکا دینے کے لیے دھوکے والا وہ بھی ہے, ٹیمپٹ کرنے والا بھی ہے, اچھے راستہ بتانے والے لوگ بھی ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا کیوں ہے, ہم کہتے ہیں ایگزام ہے, یہ ایگزام میں ہوتا ہے ایسا. صحیح جواب چنو, صحیح جواب بھی دیا ہے غلط جواب بھی دیا ہے. ایگزام میں چار غلط جواب ہوتے ہیں, کئی بار ایک صحیح جواب ہوتا ہے. ملٹیپل آپشنز میں صحیح جواب چنو. دنیا کے اندر شیطان ہے, غلط جواب ہے, وہ جواب پہ ٹک نہیں لگانا. شراب ہے, غلط جواب ہے, اس پہ ٹک نہیں لگانا. صراط مستقیم سیدھا راستہ سچا راستہ ہے, اس پہ ٹک لگاؤ, صحیح جواب چنو. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی کہے میں ایگزام میں جاؤں گا لیکن مجھے صحیح جواب چنو میں ایک ہی جواب دینا, صحیح جواب میں اس کو سلیکٹ کر کے آؤں گا. ہاں, صحیح جواب چنو, ایک ہی جواب دیا ہوا ہے صحیح جواب, میں اس کو سلیکٹ کروں گا. ایسے ہوتا ہے ایگزام میں, ایگزام ہے, اس میں ہوتا ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے نا, یہی تو ٹیسٹ ہے. آپ ایگزام میں آئے ہو اور وہ بھی سلیکٹ کر کے آئے ہو. سورہ احزاب کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپشن دیا گیا تھا, انسانوں نے چوز کیا کہ ہمیں امتحان چاہیے, ہمیں وہ چانس چاہیے. کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں نا, آگے جو چیز ملنے والی ہے وہ ورتھ اٹ ہے, ورتھ اٹ. جنت میں اصل خوشی ہے, اصل خوشی. یہاں پہ خوشی کا سیمپل ہے. خوشی کیا ہے, تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے خوشی کا, ہمیں معلوم پڑا ٹیسٹ. اچھا ٹیسٹ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے, فروٹس کس کو بولتے ہیں معلوم ہے, ہیپینس کس کو بولتے ہیں, تھوڑا انٹروڈکشن تو ہے. پکڑنے کی کوشش کرو تو وہ دوڑتی ہے آگے, خوشیوں کے پیچھے بھاگو تو وہ آگے دوڑتی ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن خوشی کا انٹروڈکشن تو ملا ہے ہمیں. اسی وجہ سے آگے کا ریئل خوشی نہیں معلوم ہے آپ کو, ریئل خوشی ہے وہاں پر ہمیں معلوم ہے. وہ بچے کو اندر ماں کے پیٹ میں نہیں معلوم ہے کیا ہے یہ دنیا میں, لیکن ہم لوگوں کو آگے کا جنت کا تھوڑا سا دنیا میں خوشی کا ٹیسٹ ملا. لیکن وہاں لاسٹنگ خوشی ہوگی, وہاں پہ رہنے والی خوشی ہوگی, وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی ریئل ہیپینس ہے. سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہے. سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں سب کچھ دیا, ہم اس سے اس کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق جیے اور جی کے پاس ہو کے آئے ہیں. معلوم ہے آپ کو میرے بھائیوں, کوئی بھی دھرم کا انسان ہو اس کے اندر ایک بیسک ڈیسنسی کی بات یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ کے اندر ایک شکر گزاری گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اتنی بات تو انسانوں میں عام طور پہ فطرت میں ہے, نیچر میں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اگر ایک کہا تو تھینک یو بولنا, کسی نے آپ کو کچھ اچھا کیا تو اس کا شکریہ کرنا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے اکثر انسانوں کو آلموسٹ. پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے اتنا کچھ ہمیں دیا کیا اس کے ساتھ شکر گزاری نہیں کریں گے, جتنے کروڑوں احسان دیا اس کے ساتھ نہیں کریں گے. بیسک سمجھنے والی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں. تو یہ ہے آگے کی زندگی, دیکھ نہیں سکتے, دیکھ کے ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, دیکھ کے تو سب لوگ مانیں گے, کوئی انکار نہیں کرے گا. ابھی نشانیوں کو دیکھ کر پہچاننا, سچی بات کلیئر ہے دیکھ کر قبول کرنا,
समझदारी, ये हमारे लिए समझदारी है और करे तो समझदार है इंसान वो। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको दावत देता हूँ कि हम सच्चे तौर पर इस पर ईमान लाएं, बिलीव करें। सारे मैसेंजर्स का मैसेज सच्चा मैसेज है, वही मैसेज को लेकर एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा। उनकी ज़िंदगी प्रूफ है उनकी सच्चाई की। वो इंसान खुद, उसका वजूद, वो इंसान जो इस दुनिया में जी कर गए और जो उन्होंने बात बताई वो प्योर बात बताई। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी वर्शिप करो, मेरी इबादत करो, उन्होंने कहा तुम्हारे बनाने वाले की इबादत करो, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने सब कुछ दिया। जो पैगाम उन्होंने दिया वो प्योर पैगाम, जिससे सोचने वाले के लिए यही बहुत बड़ा प्रूफ है। कोई करप्शन नहीं है, कोई बिगाड़ नहीं। उन्हें किताब दी गई कुरान, और वो कुरान हर इंसान के लिए गाइडेंस की बुक है। हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए गाइड है। मैं आप सब ब्रदर्स को उभारता हूँ, अपनी ज़िंदगी में टाइम दो इस किताब को, जो एक बहुत ही गाइडेंस की बुक है, सच्चाई वाली बुक है, जो जगाने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं उसमें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में आप देख करके पहचान सकते हैं एक सच्चे इंसान को। सच्चा इंसान दिखता है, सच्चा है, कई सारी मिसालें होती हैं जिससे कि पता चलता है सच्चा इंसान है। तो आप सबको मैं उभारता हूँ कि देखिए, एक है कि मेरे माँ बाप ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, मैंने माना हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, लेकिन क्या आप ये देख नहीं सकते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं? कितने सारे क्लियर प्रूफ है, कुरान अल्लाह की किताब है, कितने सारे क्लियर प्रूफ है। मेरा वो टॉपिक नहीं है आज, लेकिन मैं आप सबको उभारता हूँ कि देखने वालों को बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे। कई सारे ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो साइंस को अभी पता चला, कुरान में 1400 साल पहले से पता है। कहाँ से आई? कुरान अनचेंज बुक है, आज भी म्यूजियम्स में कुरान की कॉपीज है जो अनचेंज्ड है। कहां से पता चला? किसे पता हो सकता था? जिसने बनाया उसे तो पता ही था कि बिग बैंग हुआ था, उसे तो पता ही है कि सारी चीजें कैसी है, तो उसके लिए पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कहते हैं कि कुरान में ऐसे कई सारे प्रूफ है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, एक ऐसी बुक जो सच्चाई की तरफ गाइड करती है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के सच्चे रसूल है। ये एक बेसिक मैसेज है, और ये बात को पहचान करके एक इंसान सरेंडर कर दे अपनी मर्जी। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम सिल्म से आता है, जिसका मतलब है सबमिशन, अपनी मर्जी को रब की मर्जी के आगे सरेंडर कर देना। दुनिया के लोगों की अलग अलग मर्जी है, ख्वाहिशात अलग कहेगी, पैसे की दुनिया एक अलग दुनिया है। एक शख्स होता है जो अब्दुद्दीनार, दीनार का गुलाम होता है, दिरहम का गुलाम होता है, रुपये का गुलाम होता है, डॉलर का गुलाम होता है। एक होता है जो रब का गुलाम होता है, मालिक की मर्जी मानता है। तो मैं आप सबको उभारता हूँ कि इस बात को पहचाने। आखिर में मैं वो लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ, जो लोगों को अल्लाह ने ईमान से नवाजा, जिन्होंने ईमान लाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने ईमान लाया कुरान पर, जिन्होंने ईमान लाया अल्लाह पर, जिन्होंने ईमान लाया मरने के बाद की ज़िंदगी पर। ब्रदर्स, अपने आप को डिल्यूजन में मत डालो। ये दुनिया की ज़िंदगी एग्जाम है, अल्लाह ने भेजा है एक पर्पस के लिए भेजा है, और पर्पस ये है कि हम सब पे एक जिम्मेदारी है कि बाकी इंसानों को बताएं। अपने आप को स्पेंड करो, जो अल्लाह ने आपको दिया उस चीज को स्पेंड करो, किसी की गाइडेंस का जरिया बनो, किसी तक सच्चाई का पैगाम लेकर जाओ, अपनी बात को खोलो, जुबान को खोलो, किसी को बात बताओ। ये जुबान अल्लाह ने दी है बात करने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगो अन्नी वलो आया, सही बुखारी की हदीस है, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो। एक आयत तुम्हें मालूम है, एक बात मालूम है, कंफर्म, जो कंफर्म पता है पास ऑन करो, पहुंचाओ उसे। आज कितने सारे इंसान हैं जो इस इंतज़ार में कि कोई तो उन तक पहुंचे, कोई तो उन तक ले जाए, कोई तो उन्हें सही बात बताए। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम पर ये जिम्मेदारी है कि हमें ये पैगाम शेयर करना है, हमें गाइड नहीं करना है। हम दिल को खोल के हम गाइडेंस नहीं भरेंगे, हमें सिर्फ मैसेज देना है, हमें सिर्फ फैक्ट स्टेट करना है, ये बात है। सोचने वाले दिमाग सोचेंगे, जो लोगों को अल्लाह ने दिमाग दिया सोचने के लिए और जो दिमाग को स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं वो लोग सोचेंगे। हो सकता है कोई स्विच ऑन भी कर दे, हो सकता है कि कोई सोचने भी लगे। तो मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, सुरा पढ़ता हूँ, सूरतुल असर, और इसके बाद मैं आई प्लस टीवी के ताल्लुक से एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सूरतुल असर में अल्लाह ने कहा वल असर, वक्त की कसम, जमाना गवाह है, अल्लाह ने वक्त की कसम खाई, इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन इंसान नुकसान में है, खसारे में है, लॉस में है, इल्ल लदीन आमनो, सिवाय उनके जो ईमान ले आए, जो बिलीफ ले आते हैं। सारे इंसान नुकसान में, सब इंसान नुकसान में है, परेशान है, खसारे में है, बर्बाद है,
सब इंसान, बचने वाले वही लोग हैं जिनके पास ये चार क्वालिटी हैं, इल्लल्लज़ीना आमनु, जिनके पास ईमान है, बिलीफ है, जिनके पास बिलीफ है वही बचते हैं, बाकी कोई नहीं बचने वाला। इल्लल्लज़ीना आमनु, बिलीफ है अल्लाह पर, अल्लाह के सच्चे रसूलों पर, अल्लाह की किताब पर, जिंदगी के मकसद, मरने के बाद की जिंदगी पर। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, और नेक काम करते हैं। सिर्फ कहने से, मानने से बात नहीं बनती, प्रूफ दो अपने एक्शन से। आपकी जिंदगी टैली होनी चाहिए आपके बिलीफ के साथ। जिंदगी कुछ और, बिलीफ है ऐसे नहीं बनती, जिंदगी बिलीफ एंड एक्शन दोनों साथ में। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक, जो हक की तलकीन करते हैं, हक का मैसेज पहुंचाते हैं, हक की बात पहुंचाते हैं, अपनी जुबानों को बंद नहीं रखते हैं, जरिया बनते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। वह तवासो बिल हक, खुद को, बच्चों को, रिलेटिव्स को बताओ भाई चुप क्यों बैठते हो, बताना है सबको, बताना है। वह तवासो बिल हक और वह तवासो बिल सब्र, और सब्र की तलकीन करते हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी मकसद से आई प्लस टीवी का एक मिशन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ, और मैं आप सबको कुछ बहुत बेसिक बात बताना चाहता हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मार्च 2015 में इस्लामिक टीवी चैनल आई प्लस टीवी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस मिल चुका था, मार्च 2015। अप्रैल में हमने अपना ऑफिशियल लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट तीन साल कम्प्लीट हो रहे हैं। तीन साल से 24 आवर्स ये टीवी चैनल ऑन एयर है। सिर्फ एक मकसद है कि कैसे इंसानों तक हम उनकी ज़िंदगी के मकसद को ले जाएं, सारे इंसानों तक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक चैनल है, इसमें कुरान हदीस के कई सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं आप सबसे सिर्फ तीन अपील करता हूँ। सबसे पहली अपील ये कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। आप अपने मोबाइल में 4 MB की जगह, 4 MB की जगह स्पेयर करिए, ताकि आप इस इस्लामिक टीवी चैनल का ऐप आप इंस्टॉल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें तो आई प्लस टीवी का ऐप, इस ऐप में हमने अपना सब कुछ डाल दिया है। जैसे बहुत से टीवी चैनल्स हैं जो अपने प्रोग्राम्स की फुल लेंथ एपिसोड्स नहीं देते हैं, हमने क्या किया, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, प्रोग्राम सेक्शन है। प्रोग्राम सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक टीवी पर 130 प्रोग्राम सीरीज आ चुकी है। जैसे फर्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं कि कुरान पर है। अगर आप जाकर देखें कुरान में, तो कुरान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 3 अलग अलग प्रोग्राम्स है टीवी पर। पूरा कुरान आप देख सकते हैं, फुल कुरान, पूरा कुरान स्टार्टिंग टू एंडिंग इसकी एपिसोड्स मौजूद है, आप देख सकते हैं। किसी को सीरा देखना है, लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, तो लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पे अलग प्रोग्राम है। माशाल्लाह ऐसे 130 प्रोग्राम सीरीज है। किसी को बच्चों का प्रोग्राम देखना है कि बच्चे हमारे, छोटे बच्चे आज क्या क्या देखकर इंटरनेट पर, क्या क्या उन्हें मिल रहा है टीवी पर, इंटरनेट पर, कलर्स ऑफ इस्लाम, दीन फॉर टीन्स, आओ खेलें इस्लाम सीखें, बच्चों के खास प्रोग्राम्स हैं, बच्चों को दिखाइए। औरतों के लिए खास प्रोग्राम है, टीनेजर्स के लिए खास प्रोग्राम है। हमारा एक सेक्शन है स्पीकर सेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी पे अभी तक 80 स्पीकर्स आ चुके हैं, 80। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप शेख जफरुल हसन मदनी, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप उनके लेक्चर्स पसंद करते हैं, तो उनके सेक्शन में जाएंगे तो सारे के सारे उनके लेक्चर्स एक ही जगह पर मिलेंगे आपको। उसी तरह आपको शेख रजाउल्लाह, एडवोकेट फैज सैयद, मेरे प्रोग्राम्स, या जो भी इस्लामिक स्पीकर आपको पसंद, आप पसंद करते हो, आप सब उनके लेक्चर्स एक जगह पे देख सकते हैं। नीचे एक सेक्शन है लाइव टीवी। लाइव टीवी पे अभी इसी वक्त क्या चल रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट आप अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं। आईफोन में भी है, एंड्रॉयड में भी है, प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये लाइव टीवी मिल सकता है। इसमें प्रोग्राम शेड्यूल, कितने बजे कौन सा प्रोग्राम है, फुल वीक 24 आवर्स शेड्यूल मौजूद है। उसी तरह एक डेली क्विज है। तो ये सारी फीचर्स हैं। तो पहली अपील है कि 4 MB की स्पेस आपके मोबाइल में स्पेयर करिए, ताकि आज जो ये आपसे बात हो रही है, हमारा मैसेज आगे कंटिन्यू हो सके इंशाल्लाह। सेकंड चीज, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने ये टीवी चैनल स्टार्ट किया विथ ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेस, बहुत कम रिसोर्सेस के साथ ये टीवी चैनल स्टार्ट हुआ। हमने जब स्टार्ट किया तो इंडिया में जो केबल ऑपरेटर्स है वो नॉर्मली पैसा मांगते हैं एज कैरेज फीस, उनको कैरेज फीस देना पड़ता है। टीवी चैनल है, आप कैरेज फीस दोगे तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। आज तक हमारे पास पैसे थे नहीं, हमने किसी एक टीवी केबल ऑपरेटर को 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन आज इंडिया के करोड़ों घरों में अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी दिख रहा है। आप सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि आप जहाँ कहीं रहते हैं, अगर आपके एरिया में आई प्लस टीवी केबल पर नहीं है,
तो ये एक ऐसा चैनल है जो लाइसेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ऐसा चैनल है जो फ्री टू एयर है, कुछ चार्ज नहीं देना है। और साथ में आप हमारे फ्रीक्वेंसी सेक्शन में जाकर, जो एक फ्रीक्वेंसी सेक्शन है, इसमें देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुटप्रिंट 25 कंट्रीज को कवर कर रही है। टर्की से लेकर मलेशिया तक सारी कंट्रीज में हमारा सिग्नल जा रहा है फ्री टू एयर। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप अपने केबल ऑपरेटर को फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। जब इंडिया के करोड़ों घरों में जा रहा है तो आपके एरिया में भी आ सकता है, लेकिन डिमांड करना होगा। तो आपसे मैं सेकंड कॉपरेशन ये मांग रहा हूं कि आप जहां कहीं हो केबल ऑपरेटर को हर हफ्ते कॉल करो जब तक शुरू ना हो जाए। और ये कर्टसी है, एज अ कर्टसी केबल ऑपरेटर आपको एज अ कस्टमर मना नहीं करेगा। हम लोग जाते हैं तो हमारे पास से पैसे मांगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम दे भी नहीं सकते। लेकिन आप एज कस्टमर अगर कहें, अपने पड़ोसी को कहो एज कस्टमर के मांगो, तो इंशाल्लाह जहां जहां हम इस एरिया में वीक है हम वहां भी पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। ये आपसे एक सेकंड कॉपरेशन। फर्स्ट कॉपरेशन, क्या आपके मोबाइल में 4 MB की स्पेस दीजिए, आई प्लस टीवी सर्च करिए प्ले स्टोर में, एंड्रॉइड स्टोर में, आईफोन में, देखिए इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, टॉप पे आता है माशाल्लाह। सेकंड चीज क्या करना है आपको, केबल ऑपरेटर को जरूर कॉल करना है या करवाना है। थर्ड चीज ये करनी है कि इस टीवी चैनल को हम सर्वाइव करने, सस्टेन करने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि ये एक चैनल एक साल पहले एक बड़ी क्राइसिस में भी आया था, सिर्फ अल्लाह की मदद से हम सर्वाइव होकर आगे बढ़े, यहां तक आए हैं। लेकिन एवरी मंथ हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है टू सर्वाइव। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ के KSA की सपोर्ट से, माशाल्लाह जिम्मेदारों के सपोर्ट से, मैं आप सबसे एक को एक प्लान बता रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा जो मंथली एक्सपेंस है उसमें अगर हमें ऐसे 2000 लोग मिल जाएं जो अपने मंथली खर्चे में से, मंथली जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से सिर्फ 1000 रुपीज हमारे टीवी चैनल को दे, ये सारे प्रोग्राम्स बनेंगे, ब्रॉडकास्ट होंगे। एक टाइम आएगा जब ये उलमा स्कॉलर जिंदा नहीं होंगे, एक टाइम आएगा जब हम लोग भी जिंदा नहीं होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये एक एक प्रोग्राम उस दिन हमारे लिए सदकाए जारिया हो, हमें कब्र में भी उसका अजर मिलता रहे, बरजक की जिंदगी में भी अजर मिलता रहे, आखिरत में उसका अजर मिले। तो ये एक ऐसी चीज है, वी होप फ्रॉम अल्लाह कि अल्लाह ये कोशिश को कबूल करे, ये एक एक प्रोग्राम हमारे लिए एक रिवॉर्ड का जरिया बने। वो एक एक आदमी जो इस प्रोग्राम को देखे, चाहे इंटरनेट पे देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, तो वो जिस किसी को हिदायत मिले आपको और हमारे हर सपोर्टर को उसका अजर मिले। तो मैं आप सबको एनकरेज करता हूं कि हमें जो 2000 लोग चाहिए, अगर आप उनमें से कोई खुद बने, अगर आपको अल्लाह ने और ताकत दी और शेयर्स ले सकते हो ताकि हम ये 2000 का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करें, तो करिए जरूर इंशाल्लाह। आप पीछे हमारे ब्रदर शाज को देख सकते हैं, जरा आप अपना हाथ उठाइए, वो अवेलेबल है, आपको उनको अपना नाम देना है। हाँ, अगर आप हमारे इस काम में जुड़ सकते हैं, और बल्कि जुड़िए, एक बहुत नेक काम है, और टेक्नोलॉजी और मीडिया हम सबको यूज करना चाहिए। आज से 1400 साल पहले की बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैसेज आया था इस्लाम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहां से जाकर उन्होंने पुकार लगाई, मक्का वाले सफा पहाड़ के पास जमा हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक पैगाम पहुंचाने की पूरी कोशिश की। ये भी एक सुन्नत है ना, ये भी एक सुन्नत है। तो क्या हम सब अपनी गली, अपनी एरिया, अपनी सिटी की कोई पहाड़ी पर जाकर चढ़े, वहां से हम पुकार लगाएं? तो नहीं। आज अगर कोई पहाड़ी है और वहां से चिल्लाएंगे तो भी पब्लिक जमा नहीं होने वाली। तो हम अगर सोचते हैं ना, तो पता चलता है ये जो सफा पहाड़ था ये उस जमाने की मीडिया थी। आज मीडिया पहाड़ से ऊपर सैटेलाइट पर चला गया है, इंटरनेट पर चला गया है, अलग अलग मीडिया है। तो ये उस जमाने की मीडिया थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ को यूज किया तो हमें सिखाया कि मीडिया यूज करो। हम देखते हैं कि मूसा अलैहि सलाम ने जब फिरौन के जादूगरों को बुलाया, चैलेंज किया, तो किस दिन बुलाया? यौमुज़्ज़ीना, त्योहार का दिन। सूरह तहा का वर्स है, सूरह नंबर 20। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि यौमुज़्ज़ीना ये त्योहार का दिन था जब पूरी पब्लिक जमा होती थी। मूसा अलैहि सलाम ने जादूगरों को पर्सनली अलग से सीक्रेटली बंद कमरे में नहीं चैलेंज किया, कहा कि यौमुज़्ज़ीना, और क्या कहा? हमारा जो अपॉइंटमेंट होगा दुहा के वक्त पे होगा, दुहा। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि दुहा का वक्त इसलिए कहा क्योंकि दुहा का जो टाइम होता है उस टाइम पे लाइट बहुत अच्छी होती है, और जो मिरेकल करने वाले थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से, वो दिखना भी तो चाहिए। तो उन्होंने टाइम जो चुना, दुहा का वक्त चुना, लाइटिंग जो टाइम पे दिखाई दे लोगों को। तो हम देख रहे हैं कि ये मीडिया का यूज, कुरान और हदीस में बहुत सारे दलायल है जिससे हमें मिलता है कि मीडिया यूज करना चाहिए। कि हम आज 750 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे सच्चाई की बात पहुंचेगी, कैसे वो लोग समझेंगे?
तो मेरे ब्रदर्स, ये हम सबका मिशन है, पैसा इम्तिहान है। सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है इन्ना अनज़लना अल-माल लिइक़ामिस-सलाह व इताअ-ज़कात, मैंने माल भेजा ही इसलिए है कि नमाज कायम की जाए, ज़कात दी जाए। माल अल्लाह ने दिया क्यों है? ताकि नमाज कायम की जाए, यानी कि सच्चाई की बात लोगों तक पहुंचे, लोगों की, गरीबों की मदद हो। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये माल का बेस्ट यूज़ है कि हमारे माल किसी की हिदायत का जरिया मिले, किसी को सही बात पता चले। तो मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम हम सब इस काम के अंदर, नेक काम में, इस मिशन को, इस वर्क को आगे बढ़ाने में जरिया बनाए। इंशाल्लाह आप सबको मैं दावत देता हूँ कि आप जहाँ कहीं से हो, ये तीन रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर याद रखकर इस चीज़ में हमारे साथ ज्वाइन करें। हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं कि ये प्रोग्राम के अंदर जो ज़िंदगी के मकसद के बारे में हमने बातें की, हम सब वो मकसद को याद रखें और अपनी ज़िंदगी जो बिताएँ उसी मकसद के मुताबिक बिताएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा।